हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम ट्रिपल लेयर चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। चलिए फिर इस यमी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सैंडविच के लिए सबसे पहले हम पनीर का स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम पनीर को मैश करके लिया है। तो ये हमने यहाँ पे चटपटा पनीर इस्तेमाल किया है, इसलिए यह थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आप चाहे तो नॉर्मल वाला पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको चटपटे पनीर के ही रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। अब इस पनीर में हमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बिल्कुल चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर सफ़ेद नमक, टोमेटो सॉस एक चम्मच, एक चम्मच रेड चिली सॉस, और इसके साथ ही हम इसमें बिल्कुल एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं और सैंडविच का मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच जीरा लिया है, 2 लौंग ली है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ली है, 1 चक्रीफूल और 4 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ ली है। अब इन सारी चीज़ों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है, और बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा मसाला हमने भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे ठंडा करके हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले को हमने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच काला नमक डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो हमारा सैंडविच मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आलू का स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने पैन में 1 चम्मच बटर डाला है, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल के इसे फ्राई कर लेंगे, और फिर हम इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 5 से 6 बारीक कटे हुए लहसुन, और इन दोनों चीज़ों को हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 1/2 प्याज हमने पनीर के स्टफिंग में इस्तेमाल किया है, तो अब प्याज को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू मैश करके इस तरह से डाल देंगे। अब सारे आलू को मैश करने के बाद इस पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, 1/2 नींबू का रस, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो हमारा आलू का स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी कढ़ाई में हम पनीर का स्टफिंग भी फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इसी पैन में 1/2 चम्मच बटर लेंगे, आप इसकी जगह भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम पनीर का स्टफिंग डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, और बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे। तो स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, सैंडविच मसाला, बटर, पुदीने की चटनी, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पनीर का स्टफिंग, शिमला मिर्च स्लाइसेस, टोमेटो स्लाइसेस, खीरे के स्लाइसेस, आलू का स्टफिंग और चीज़। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। तो बटर को हमने रूम टेम्परेचर पे कर लिया है, इसलिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्रेड को लग रहा है। अब ऐसे हम 4 स्लाइसेस रेडी कर लेंगे। तो 4 स्लाइसेस रेडी हो चुके हैं, अब इसमें से 1 स्लाइस को हम पुदीने की चटनी लगा लेंगे, आप जितनी पसंद करते हैं उतनी लगा सकते हैं।
अब पुदीना चटनी लगाने के बाद इस स्लाइस के ऊपर हमें आलू का स्टफिंग रख देना है। तो यहाँ पे हमने इतना आलू का स्टफिंग लिया है, आप जितना चाहे उतना भी लगा सकते हैं। तो आलू का स्टफिंग अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सैंडविच का मसाला डाल देंगे और फिर हमें इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ ग्रेट करके डालना है, आप देख सकते हैं। अब चीज़ को अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद इसके ऊपर हम और एक स्लाइस रख देंगे। तो स्लाइस को रखने से पहले हम इसे भी पुदीने की चटनी लगा लेंगे और इस तरह से रख देंगे। अब इस स्लाइस को ऊपर से हम बटर लगा के फिर से पुदीने की चटनी लगा लेंगे। अब चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर हम टोमेटो स्लाइसेस रखेंगे और थोड़ा सा हमें सैंडविच मसाला इसके ऊपर डालना है। उसके बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च और ककड़ी के स्लाइसेस रख देंगे। हमने यहाँ पे आलू और प्याज के स्लाइसेस नहीं रखे हैं क्योंकि हमने दूसरे स्टफिंग में इसे इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सैंडविच मसाला डाल दिया था और दूसरी स्लाइस को हम इस तरह से पुदीना की चटनी लगा लेंगे ताकि हम इसके ऊपर इसे रख सकें। तो इस स्लाइस के ऊपर भी हम ढेर सारा चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। अब चीज़ डालने के बाद इस स्लाइस को हम इसके ऊपर रख देंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर बटर और पुदीने की चटनी लगा लेते हैं। अब चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर हम पनीर का स्टफिंग रखेंगे, थोड़ा सा हम सैंडविच का मसाला भी इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हमें इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डाल देना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें सैंडविच को पैक कर लेना है, तो उसके लिए हम ब्रेड की स्लाइस को पुदीने की चटनी लगा लेंगे और इसे सैंडविच के ऊपर रख देंगे। तो सैंडविच की तीनों लेयर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है हमारा सैंडविच। तो इसी तरह हम दूसरा भी सैंडविच रेडी कर लेते हैं। तो दोनों सैंडविच हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर की साइड में हम अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। अगर आप क्रिस्पी सैंडविच चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा भी बटर मत लगाइएगा, वरना सैंडविच जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सैंडविच सिकने के लिए यानी कि ग्रिल होने के लिए रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमने पैन भी गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और बटर को अच्छी तरह से पैन में फैला देंगे। अब गैस को हमें लो फ्लेम पे रख के ही सैंडविच सेक लेना है। तो अब पैन के ऊपर हम सैंडविच रखेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। लो फ्लेम पे इसलिए हमें रखना है ताकि इसमें से चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब 3-4 मिनट सैंडविच को सेकने के बाद इसे हम दूसरा पैन रख के पलट के चेक कर लेंगे इस तरह से कि हमारा सैंडविच सिक चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सिक चुका है और दूसरी साइड से भी हमने इसे इसी तरह से सेक लिया है। अब इसे भी हम पलट के चेक कर लेते हैं। तो सैंडविच हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो इसे हम गैस से हटा देंगे और इसी तरह से दूसरा भी सैंडविच सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है सैंडविच। तो दूसरा भी सैंडविच हमने सेक लिया है। अब इसे मैं काट के एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बन चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारी सैंडविच की लेयर्स कितनी परफेक्ट दिख रही है। तो इसे सर्व करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। तो हमारा सैंडविच खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप सैंडविच बना के ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज़ कुकिंग।